हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी के टिवारिया चैनल। और देखिए, मैं आज आपको एक ऐसा टॉनिक बनाना बताऊंगी जिसे आप घर पर इजीली चीज़ों से बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आई थिंक आज के ज़माने में सभी के घर में होगी। तो देखिए, मेरे पास है मेथी दाना, मैंने इसको रात को सोख करके रखा था वाटर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, ये अच्छे से भीग चुका है, गल चुका है, अच्छे से फूल चुका है। तो मेथी दाना हेयर के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा होता है, जिसको मैं बोलूँ ना कि A to Z आपकी सारी प्रॉब्लम को हल करने वाला है मेथी दाना, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनाना है, इसीलिए मैंने मेथी दाना कम लिया है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हो आराम से 15 दिन, ये बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। मैं इसको सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार ही यूज़ करूँगी। तो बिल्कुल नॉर्मल जो टैप वाटर है वो मैंने इसमें डाला है, ये देखिए, ठीक है। आप अपने हेयर के और अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको बनाना। तो हम इसको गैस पर रख देते हैं बाउल आने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको गैस पर रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है आपको, बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना है। ये देखिए गैस ऑन है, और ये देखिए बिल्कुल मैं इसको लो कर दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से इसको पकने देना है। आप देख सकते हो भीगे हुए, जो रात के भीगे हुए या 24 आवर्स से ज़्यादा भीगे हुए, उसका वाटर का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना करी लीव्स, ठीक है। सभी के गार्डन में होगा, इसलिए मैं वीडियो की शुरुआत में बोला था कि सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर पर ही आराम से मिल जाती हैं। और ये हमारा है तुलसी पत्ता, अभी बिल्कुल मैं गार्डन से तोड़ के लाई हूँ, तो मैं इनको इनकी ब्रांचेस से अलग कर लेती हूँ। और लास्ट हमारा है, ये देखिए, ये है मेरा वेरीगेटेड हिबिकस जो है, उसके सूखे हुए फ्लावर हैं। आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर दोनों ही नहीं है, फ्रेश भी नहीं है और ड्राई वाले भी नहीं है, तो मार्केट में इसका पाउडर आता है वो आप ले सकते हो। तो हम एक ऐसा टॉनिक बनाने वाले हैं जो आपके हेयर को, रूट को स्ट्रॉन्ग करेगा। आजकल सभी के हेयर में ये प्रॉब्लम कॉमन सी हो गई है कि उनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गंजा हो रहा है उनका सर, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर की तरफ बाल थोड़े घने हैं और नीचे आते आते बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से दूर होती है। तो इन्हीं को मिक्स मैच करके, बदल बदल के आप बहुत सारे हेयर टॉनिक बना सकते हो, हेयर पैक बना सकते हो, जो आपके हेयर की थिकनेस को भी बढ़ाएगा, आपके हेयर को लॉन्ग भी करेगा, रूट को स्ट्रॉन्ग करेगा, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को हटाएगा, ईचीनेस जो होती है ना हेयर में, स्कैल्प में, उसको भी दूर करेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। तो अगर मैं आपको बताने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं ये सारे लीव्स अलग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लीव्स जो हैं तोड़ लिए हैं, इनको मैं अपने वाटर में डाल देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सारा जितने भी हमारे पास लीफ हैं वो मैं वाटर में डाल देती हूँ, और आप इनका कलर देख सकते हो। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, मैं क्या बोलूँ आपको, बिल्कुल लो कर देना, मीडियम भी मत रखना, लो फ्लेम पे आपको बस मुश्किल से 5 से 7 मिनट इसको बॉयल करना है, ताकि जितनी भी हमने चीज़ें इसमें ऐड की है उसकी सारी गुडनेस हमारे वाटर में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारे जो फ्लावर है इनको मैं लास्ट में डालूंगी, बिल्कुल जब 2-3 मिनट रह जाएगी तब ऐड करूंगी, अभी नहीं करूंगी। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद, अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ इसको। तो देखिए, मैंने हिबिकस के जो मेरे फ्लावर थे वो भी डाल दिए हैं, और अच्छे से बाउल हो चुका है, पानी जो है वो हाफ हो चुका है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे इसमें अच्छे से बाउल लाना है कि जितना भी पानी आपने चढ़ाया है वो उसका हाफ हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अब हम ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जरा सी धूप निकली है और ये है हमारा जो हमने बनाया है। तो देखिए, इसको मैं सेव कर लूँगी और अपने बेटी के हेयर पे, सबके हेयर पे, आप सबके हेयर पर इसको लगा सकते हो। देखो, मांग निकाल निकाल के लगाना, अभी आपको दिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ, बट मैं बिल्कुल ऐसे सेंटर में से कहीं से भी मांग निकालो और लगाओ। आपको दिख रहा होगा इस टाइम अपने टेरेस पर है, जरा सी धूप है बिल्कुल, तो मैं इसे लगा लेती हूँ अपने हेयर पर भी और बेटी के हेयर पर भी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेटी के हेयर पर इसे अच्छे से लगा दिया है, और आपको हल्का सा मसाज दे देना है 2 से 3 मिनट का। और एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद तुरंत आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे दिन में एक बार ज़रूर लगाना। मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता चुकी हूँ, आपको धूप में बैठ के लगाना है, ठीक है। आप इसको एक दिन लगाओ, फिर नेक्स्ट दिन लगा लो, फिर नेक्स्ट दिन लगा लो, मतलब हफ्ते में 3 दिन लगा के आप हेयर वॉश करोगे ना, तो बहुत मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा मत करना कि बस आज लगाया है तो 1-2 घंटे बाद हेयर वॉश लो। आपके हेयर पर अगर ये 2 दिन या 3 दिन रहा तो कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। शायद मैं वीडियो में बताना भूल गई हूँ कि अगर आपके पास कोई इसेंशियल ऑयल हो, जैसे टी ट्री ऑयल या रोजमेरी इसेंशियल ऑयल, जो भी आपके पास हो, मैं किसी का नाम नहीं बता रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि इसेंशियल ऑयल भी डाल लेना। इसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बेटी के हेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बात वही है, अगर शुरू से हम शुरू करेंगे, अभी से अपना सावधानी बरतेंगे, तो आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वो कहते हैं ना कि पहले से ही अप्लाई कर लो किसी चीज़ को, तो आगे जाके बैड इफ़ेक्ट नहीं आता है। सावधानी ही सुरक्षा जिसे बोलते हैं ना, तो जब मेरे हेयर पर इस टाइम कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, जैसे कि बाल झड़ रहे हैं, हेयर वाइट हो रहे हैं, तो नेचुरली पता ही है सबको, 30+ के बाद सभी को होना ही है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। तो इसीलिए जो कुछ मैं बनाती हूँ सबके हेयर पर लगा देती हूँ, हस्बैंड हो, बेटी हो, बेटा हो, कोई भी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर देना, और प्यारे प्यारे से कमेंट भेजा करो फ्रेंड्स, और रिक्वेस्ट भी भेजा करो ताकि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं इसे रखने वाली हूँ। ठीक है, कल हमने नहीं लगाया था क्योंकि कल बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, आज हमने इसे लगाया है, कल भी मैं लगाऊंगी और परसों भी लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए लगाते लगाते मसाज करते करते ये आपके हेयर में बिल्कुल अंदर चला जाता है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। और जो इसका बचा हुआ पार्ट था उसका पैक बनाकर मैं लगाऊंगी 3rd डे पे। ठीक है, तो ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने भी इसे अच्छे से लगा लिया है। ठीक है, बिल्कुल लगाते ही ये हेयर में अंदर चला जाता है बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है, तो मैं आज भी लगाया है मैंने इसको, कल भी लगाऊंगी, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है 3rd डे में अपना जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसका पैक लगाऊंगी। तो आप भी ऐसे ही करना अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो।